गुड इवनिंग अभिवान चलो आज फिर एक बहुत बढ़िया एक मुद्दे की बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग वो क्या करेंगे ठीक है आओ जल्दी फटाफट आ जाओ सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो और जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी कि, कि किस तरह से थोड़ा हाई लेवल वो कैब भी आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लैंग्वेज में उसका तरीका मैं सिखाऊंगी ठीक है चलिए हम लोग आज एक पहले मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता दूं कि मैं आपको आज क्या देने वाली आपको पता है ना बाल मजदूरी है ना चाइल्ड लेबर जिसको कहते हैं बाल मजदूरी किस तरह से इंडिया में चारों तरफ फैला हुआ है लोग कहते हैं यार जरूरी है नहीं तो भूखे मर जाएंगे है ना लेकिन इनके खिलाफ बहुत सारे कानून बने लेकिन कोई कानून कहां कुछ होता है आप देखते हो एक फैक्ट्री में चले जाओ चाहे एक टी स्टॉल में चले जाओ हर जगह आपको बाल मजदूर दिख जाएगा तो हम लोग उसी बाल मजदूरी पर हम एक परफेक्ट एक ऐसे टाइप का लिखना चाहेंगे लेकिन इसमें मैं हाई लेवल वो क्या इस्तेमाल करना चाहूंगी ठीक है चलो आ जाओ सबसे पहला पेज जो है स्वेट ऑफ द ब्रो का मतलब आईब्रोज होता है ठीक है ना ये आईब्रोज को हम ब्रो कहते हैं स्वेट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है जिसका कहते हैं माथे का पसीना है ना माथे का पसीना जब आपके चेहरे पर पसीना आता है तो माथे पे आता है जो टपक के यहां आई तक पहुंचता है है ना तो उसी को कहते हैं स्वेट ऑफ द ब्रो यानी जब भी मेहनत कड़ी मेहनत की बात हो तो क्या कहोगे इट इज द अर्निंग ऑफ द स्वेट ऑफ माई ब्रो मतलब मेरे मेहनत की कमाई है यानी कि आप बात कर रहे हो ब्रो यानी आई पर आए हुए पसीने की ठीक है मतलब अब आप समझ जाओ हम लोग एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे वो क्या करेंगे ठीक है चलो अब आओ सबसे पहले आप फर्स्ट पेज देखो और पहले आपको मैं रीड करके समझाऊंगी बाद में इसको मैं आपको कंप्लीट पूरा इसका मीनिंग समझाऊंगी ठीक है क्लियर चिल्ड्रन ऑफ लेस ऑफ गॉड टू नीड इक्वल अटेंशन लेसर का मतलब क्या होता है सुनो so, no.

जब आप जवान होते हैं आपकी गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंस रखती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े लेसर इम्पोर्टेंस रखते हैं अब कई बार ऐसा होता है हम लोग कहते हैं यार कहते हैं लोग कहते हैं कि भगवान बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होता है और बच्चे जो होते हैं भगवान की देन होते हैं तो ऐसा कैसे होता है जो बच्चे इतनी भूख मरते हैं तो जानते हो एक थोड़ा सा गलत मतलब आर्निकल तरीके से ये फीलिंग से बोला जाता है कि अच्छा जानते हो जो भूख मर रहे होते हैं ना बच्चे उनको भगवान से भगवान को उनसे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है ना चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है अब लेसर गॉड का मतलब क्या हुआ बेटा कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और महेश सबसे शक्तिशाली भगवान है और जो छोटे मोटे भगवान है ना तो छोटे मोटे भगवान के बच्चे हैं इसलिए तो भूख मर रहे हैं भाई हम हैं हम हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के बच्चे तो हम लोग क्या है हम लोग इंपॉर्टेंट गॉड्स के बच्चे हैं जो भूख मर रहे हैं कौन है तो एक तरह से इसको एक विडंबना मान के कहा गया है कि बेटा ये क्या है ना ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है यानी कि लेस इंपॉर्टेंट जो गॉड है है ना उसको आप लेसर कह रहे हो लेसर गॉड कह रहे हो इसीलिए कहा गया भाई चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड क्यों कहा गया है क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं ये गरीब बच्चों को भी आप इक्वल अटेंशन दोगे ना यार उनको भी तो जरूरी है है ना समझ में आया हाँ बहुत सीरियस मूड हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा मजाक बीच में करना क्योंकि ये हाँ बहुत सही कहा मन मलिक इन ऑफ द कंडीशन दंडीशन देखे भाई हम तो भगवान के बच्चे हैं देखो हमारे पास सब कुछ है ये ये तो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है यानी जैसे छोटे मोटे भगवान होते हैं ना छोटे मोटे देवता जिनको इधर से राक्षस भगाते हैं और उधर से इंद्र भगाते हैं ये तो बेचारे घर ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट की वाली हालत होती है उनके बच्चे हैं ये क्योंकि राक्षस भी दोड़ा देते हैं तो उस तरह के हम लोग आरेनी करके यानी मजाक उड़ा के कहते हैं कि भाई ये उनके बच्चे हैं ठीक है आ जाओ चाइल्ड लेबर बेटा लेबर्स का मतलब होता है मजदूर ठीक है लेबर मतलब मजदूरी होता है लेबर का मतलब मजदूर एंड देर एक्सप्लॉयटर्स एक्सप्लॉयट करने वाले मतलब शोषक जो शोषण करते हैं ना शोषण करने वाले ठीक है शोषण करने वाले उनके जो शोषक होते हैं है ना वो आर यूबिक्विटस बेटा यूबिक्विटस का मतलब होता है यूनिवर्सल सार्वभौमिक हर जगह मौजूद है यानी सार्वभौमिक जैसे कि देखते हो यहां पर इंडिया में करप्शन है सार्वभौमिक है हर जगह मौजूद है कहां कहीं जाओ भ्रष्ट लोग आपको मिल जाएंगे कहते हैं अभी पैंडेमिक जो चल रहा है अभी यूबिक्विटस हो गया सब जगह मौजूद है सो वॉट इज सार्वभौमिक यानी कि सब जगह मौजूद नॉट ओनली पैन इंडिया मैं आपको एक रूट बता दू पैन पैन का मतलब होता है ऑल कुछ जैसे इकोनॉमिक्स uh, जो पढ़ते हैं ना वो कहते हैं प्रेजेंस अक्रॉस नेशन या सब का उन लोग कुछ ना कुछ है ना uh, वो बना देते हैं है ना फुल फॉर्म बना देते हैं पैन का कोई फुल फॉर्म ऐसा नहीं होता बेटा पैन का सीधा मतलब एक ही है है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन नहीं पैन का मतलब ऑल है मतलब ऑल इंडिया आपको मिल जाएगा यूबिक्विटस है प्रेजेंस है नॉट ओनली पैन इंडिया बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी ये सार्वभूमिक भूमि भुम, का मतलब क्या हुआ नहीं बेटा कॉस्मोपोलिटन अलग वर्ड है मन मलिक कॉस्मो हाँ अनुष्का ने सही लिखा है ओमनी प्रेजेंट कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर कहीं भेज दो उनको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता वो सब कुछ खा सकता है देखते हो ना क्या क्या वीडियो आता है चीनी उन्नी वो जो चाइनीज लोग पता नहीं क्या यार सारे सी फूड और ऐसा खाते जिंदगी में कभी नहीं खाया है ना जिंदगी में लगता है कभी नहीं खाए तो वो लोग मतलब ऐसे ही लोग होते हैं कहीं भी खाएंगे वो जाके केकड़ा वो कीड़े मकोड़े सब खा लेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता वैसे लोग कॉस्मोपॉलिटन होते हैं वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर वो नहीं होम प्रेजेंट नहीं बेटा फ्रॉम जो है ना वर्ड आया पेडोस से जब भी वर्ड पेडोस देखो समझ जाओ बच्चा है देखो यहाँ पे मैं आपको रूट भी बता रही और फिल वर्ड जहां देखो समझ जाओ लव की बात है पेडोफिलिक होते हैं जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को है ना

जो जो शोषण होते हैं जो शोषण करने वाले होते हैं खुद सोचो ना कि बाल शोषण भी करेंगे वो सेक्सुअली भी और उनको तकलीफ भी पहुंचाएंगे द एक्सप्लॉयटर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है एंड द प्रॉब्लम इज एग्रवेटिंग व्हाट इज एग्रवेटिंग एग्रवेट का मतलब होता है और बदतर होना एग्रवेट का मतलब और बदतर होना दैट मींस वर्सेन देखो वर्सेन का मतलब और बदतर होना यानी ये जो पीडोफिलिक से हर तरह का एक्सप्लॉयटर्स मिलेगा और ये जो प्रॉब्लम है और बदतर होता जा रहा है डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन देखो ये राकेश कुमार यादव को अरे यार यार शर्म करो खड़ा होकर बैठ के पिंकी पिंकी कर रहा है किस पिंकी की बात कर रहे हो ठीक है तो? लड़के हैं ना मेन विल बी मेन इतना बढ़िया और इतना सीरियस इश्यू पढ़ा रहे हैं फिर भी वो क्या कर रहा है बस कुछ और ही चक्कर में हद है क्लियर नाउ सी यूजुअली यूजुअली इन आवर कंट्री फेबियन पॉलिसी

एक्ट एंड लॉस यानी किसी चीज को डिले करने का जो पॉलिसी होता है ठीक है ना वो सुनो ध्यान से क्या है कि डील करने के लिए यानी निपटने के लिए का मतलब होता है, निपटना डील विथ का मतलब निपटना होता है ठीक है डील विथ दो जिनके कार्य कैसे होते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ उल्लंघन करने वाले वो क्या उल्लंघन करते हैं यहां के इस देश के वेरियस लॉस एंड ऑर्डर है ना द ऑर्डर्स ऑफ वेरियस लॉस एंड एक्ट जितने हमारे यहाँ पे जितने तरह के कानून है जितने तरह के कानून के द्वारा ऑर्डर आया हुआ है उनका उल्लंघन करना उनका उल्लंघन करने के लिए क्या है ऐसे पॉलिसीज यानी कि लटकाए जाते हैं है ना और लटकाए जाते हैं उन क्या चीज़ को टू डील विद फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब सालों साल उल्लंघन कर रहे हैं केस है तो वो चलेगा या लटकता रहेगा क्या फर्क पड़ता है दो चार साल तो बहुत हल्का फुल्का चीज है सालो साल मतलब बहुत सालों साल है ना क्लियर आ जाओ इन फैक्ट वेदर इट इज अ टी स्टॉल और अ कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि चाय की दुकान हो अब देखो शिवम को हाँ, शिवम बेटा पढ़ लो कोई काम नहीं देगा पता है कल होके उसी के बच्चे तुम्हें मामा कहकर बुलाएंगे तो क्या फायदा पढ़ लो पचास वर्ड सिर्फ एक घंटे में आपको मैं सिखा दूंगी यस रजनीश तारीख पे तारीख यानी कि डिलेन पॉलिसी होता है दैट इज क्रॉन फेवियन पॉलिसी अभी बीस बीस साल में आने वाला है जजमेंट क्या फर्क पड़ता है तब तक इतना कमा के रख लेंगे ना कि बाल बच्चे के भी बाल बच्चे आराम से खाएंगे इसका मतलब है कि वो आराम से उल्लंघन करते हैं उन ऑर्डर्स का जो वेरियस लॉ एंड एक्ट ऑफ द कंट्री के द्वारा पास किए जाते हैं चाहे वो चाय की दुकान हो या कंस्ट्रक्शन का साइट हो हर जगह ऑलमोस्ट एवरी प्लेस स्पीक्स वॉल्यूम स्पीक्स वॉल्यूम का मतलब होता है काफी ज्यादा ज्यादा सबूत है स्पीक्स वॉल्यूम्स का मतलब बहुत भयानक सबूत होता है इतने बड़े बड़े सबूत है यार आपको छोटू हर जगह दिखेगा है ना क्या वो छोटू काम करने लायक है क्या उसकी एज है काम करने की क्या वो सीधा सीधा उल्लंघन नहीं हो रहा बेटा घर में छुपा के नहीं रखा है वो ऐसे पी स्टॉल में काम कर रहा है जहां पे सत्तर लोग रोज आते हैं और उसमें कई तो सरकारी होते हैं और कई तो रेंचू वाले भी होते हैं क्या सबके सामने वो छोटू काम नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ऐसे सबूत है जो स्पीक वॉल्यूम यानी काफी भारी मात्रा में सबूत है अबाउट दिस हीनियस एंड एबोमिनेबल फैक्ट हीनियस इज वीनस नियस का मतलब होता है जघन्य क्योंकि ये जघन्य अपराध है आप एक छोटा बच्चा जिसके आप खेलने कूदने की उम्र है आप उसको क्या कर रहे हो आप उससे मजदूरी करा रहे हो ये एक हीनियस एक्ट है एंड एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित यानी कि बहुत गंदा घृणा के लायक ठीक है आकृति मैम क्लास क्यों नहीं ले रही है बेटा मैं आज पूछ लूंगी आकृति मैम से है ना आकृति मैम का है ना अब उनका क्लास भी है बिहार एस SI आई में भी क्लास है जीएस फाइव में भी क्लास है दिल्ली पुलिस में भी क्लास है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अब उनका उनको अब काम पे भी जाना पड़ता है है ना डॉक्टर का जो काम है आपको समझ में आता है, है ना आपके बेटे बेटियां क्या करते हैं यार ये तो मुझे एकदम बता दिया कि आपने लगता है देर से शादी की है पूछा क्या, क्या करते हैं अब तुम्हें मैं क्या बताऊं बस एक ही बेटा है वो भी बारह साल का है और वो सेवन स्टैंडर्ड में है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी क्या काम करती है क्या नहीं करती है है ना सकेंड ये चीज़ और है ना यार आप लोग सब कौन हो मेरे हाँ आप लोग सभी तो मेरे बेटे बेटियाँ हो ना तो देखो मैं आपके पीछे अगर मैं यूट्यूब में बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आती हूँ तो क्यों आती हूँ क्योंकि आप भी कुछ बनो है ना क्योंकि मैं एक चीज जानती हूं कि मैं अपने बेटे को पूरा कंप्लीट सुख सुविधा प्लस एजुकेशन अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूं लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन मॉनिट्री रीजन हो या कुछ भी रीजन हो लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल से आपको वो सब कुछ दे सकूँ और आपको मैं फ्रांकी बताती हूँ मेरा जो चीज है मेरा जो कलेक्शन है आप खुद कहीं सर्च मार्के देख लो कहीं से कॉपी एंड पेस्टेड नहीं है सब कुछ मैं खुद बनाती हूँ इसीलिए बेटा मेहनत करो पढ़ो उसके अलावा कोई चारा नहीं है जिंदगी में कोई काम देने वाला नहीं है है ना ये ध्यान रखो ठीक है इसीलिए टलीस्ट यार सब्सक्राइब तो कर लो इतना अच्छा पढ़ाती हूँ सुनो इन फैक्ट वेदर इट इज इन्हें क्या सॉरी क्राइम का मतलब क्या होता है जघन्य और एबोमिनेबल का मतलब क्या हुआ घृणित एज चाइल्ड लेबर कैन बी सीन ऑल अराउंड अस कितनी घृणा की बात है कितना शर्म की बात है कि चाइल्ड लेबर सब दिख तरफ दिखता है द द एक्सप्लॉयटर्स नॉट फिंगर्स यार एकदम सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं ये इनको क्या किसी तरह का डर है क्या छिपा के रखे हुए हैं नहीं ये किसी को छिपा के नहीं रखे हैं जो एक्सप्लॉयटर्स है ये किसी को छिपा के नहीं रखे हैं सीधा सीधा बेटा अवमानना करते हैं सीधा सीधा फिंगर्स का मतलब होता है अवहेलना अब अब मानना करना क्या लॉका क्या बोलते हैं अरे भूख भूख मर जाएगा? Starvation का मतलब से ना बिना खाने का बिना खाए हुए तो स्टार से मर जाए उससे अच्छा तो काम कर ले तो इनका ये कहना होता है ठीक है देखो फर्स्ट पेज में हमने इलेवन वो कैप देखा है अब मैं आपको स्वेट ऑफ द ब्रो उसी वो कैप देख ले हम लोग अभी कड़ी मेहनत यूबिक्विटस यूनिवर्सल सर्वव्यापी पैन इंडिया पूरे भारत में मौजूद प्रेजेंट थ्रू आउट इंडिया पेडोफिलिक मैंने बता दिया बाल यौन शोषक है ना सेडेस्ट जो दूसरों को दुख दर्द पहुंचा के सुख हासिल करता है एग्रोवेट और खराब होना to लिखा मैंने बत्तर बनाना। निर्णय की जो रणनीति है टालते जाते हैं टालते जाते हैं और सालों उल्लंघन करनाबल नफरत के लायक उसके बाद एक और वर्ड था बेटा मतलब असम्मान करना अवहेलना करना क्लियर हो गया बेटा ऑफलाइन क्लास कब ओपन होगा सरकार जब दे दे परमिशन तब होगा बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा सुनो ध्यान से स्पोकन का क्लास में कल लेके आऊंगी बेटा मैं कल, कल कराऊंगी आपको रात में स्पोकन का क्लास कल आओ बहुत अच्छा कुछ कुछ नई चीजें बताएंगे आपको और पीडीएफ के लिए बेटा केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो उसमें मिल जाएगा आपको है ना ईयरफोन जो आपके आइकन होते हैं उसमें मिल जाएगा अब आओ हम लोगों ने कहा तक कर लिया देखो ध्यान से हम लोगों ने फर्स्ट पेज कर लिया है ना अब आते हैं सेकेंड पेज नेक्स्ट पेज आओ फर्स्ट अक्टूबर का बैच ले लो बेटा वो एस वगैरह के लिए बहुत अच्छा बैच है चलो अब सुनो द टॉयल एंड मॉइल ऑफ दीज यंग मास यंग मास मतलब जो यंग है यंग मतलब होते हैं कम उम्र वाले मास मतलब लोग मास का मतलब होता है ना जैसे आम लोग हो गए पूरे मास हो गए द टॉयल एंड मॉयल का मतलब होता है बेटा कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत किनका यही जो यंग बच्चे हैं Is also not paid adequately. देखते भी भी नहीं मिलता है, है ना? छोटे बच्चे होते हैं, 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 वो भी दिन भर काम कर रहे हैं। कर रहे रहे उतने ही मेहनत लेकिन क्योंकि उतने वो नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए उनको पेमेंट उतना नहीं मिलता ठीक है इज नॉट पेड एडिकुटली एज मेनी चिल्ड्रेन आर एट एंड एल अगर खाली लूज का मीनिंग देखोगे तो ढीला होता है, है ना? At का मतलब होता है कि बेकार बैठे हुए हैं ठीक है आइडल है बेकार है अनऑक्यूपाइड है उनके पास कोई काम नहीं है अब गरीब बच्चे हैं उनके पास कोई काम नहीं है तो क्या होगा दे आर रेडी टू डू एनी बैक ब्रेकिंग बैक का मतलब होता है है बेटा पीठ ना हमारा जो पीठ वो back है वो बैक है बैक ब्रेकिंग वर्क यानी कमर तोड़ मेहनत करने को कोई भी कमर तोड़ मेहनत करने को वो तैयार है क्यों बेटा याद कैसे करना है आपको मैं सिखा रही हूँ इसको यूज कैसे करना है पचास वर्ड बिल्कुल एक ऐसे के रूप में मैं आपको दे रही हूँ इसको चाहो तो आप ऐसे के रूप में लिखो ना मार्क्स जबरदस्त मिलेगा ठीक है और उसके बाद जैसे ये क्या है एक ऐसे है किस पर किस पर है? ये सीधा सीधा चाइल्ड लेबर पर है ठीक है अब सुनो, ना उसका क्यों नहीं मिलता क्योंकि they are at lose and बैठे हुए हैं और वो किसी भी तरह का कड़ी मेहनत करने को तैयार होते हैं राइट right? चलो आगे देखो कमर तोड़ मेहनत वही तो कह रहे हैं. नहीं हो रही है मैम इंस्पेक्टर बनवाइए शादी नहीं हो रही है हाय भगवान बेचारा को देखो कितना टेंशन में इसकी शादी नहीं हो रही है और इसीलिए इसीलिए शादी नहीं हो रही इसलिए इंस्पेक्टर बनना है मतलब एक बात पता बेटा जो लड़की तुम्हारा इंस्पेक्टर पोस्ट देख के शादी कर रही है इसका मतलब तुमसे शादी नहीं कर रही है है ना तुम्हारी वर्दी से शादी कर रही है ठीक है बेटा तो ऐसी लड़की ढूंढो जो तुमसे प्यार करे तुमसे शादी करे ठीक है ना बात मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है चलो आ जाओ अब बोलोगे मैडम बीच बीच में तो प्यार के भी जो कहते हैं ना अब खैर ठीक है यार अब कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको जो आई एस बन गया वही सिखाएगा कि आई एस कैसे बनते हैं अब चलो मैं फेल कर गई उस मामले में कि फिर भी सिखाने लायक तो हो गया ना एक्सपीरियंस तुम्हारे से तो डबल एक्सपीरियंस होगा चल <laughs> इसलिए मैं समझा रही हूँ बेटा आपका जो पोस्ट है ना वो आपको एक पत्नी दिला सकता है आपको प्यार नहीं दिला सकता इसीलिए प्यार को कम से कम उसी को बनाओ पत्नी जो आपसे प्यार करे जो आपके लिए हो ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि पहले इंस्पेक्टर बनोगे तभी हाँ ये तो चीज है कि अरेंज मैरिज तो हमेशा आपके पोस्ट को देख ही होता है बट स्टिल नहीं बात क्या है ना अब जैसे लड़कियां कई बार कह देती है कि नहीं नहीं मेरे पापा कहीं और मेरी शादी लगा रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरी कहीं और शादी हो जाएगी भाई तुम्हारा पोस्ट देख के उसने प्यार किया था तो पोस्ट देख के शादी करने आई है बेटा इसी लड़कियों को सबसे पहले छोड़ देना ठीक है डोर टू कीप दुल्स अवे फ्रॉम द डोर का मतलब क्या है टू कीप द वुल्व्स अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है यानी जो भूखमरी है ना उसको दूर रखना इस भूखमरी को दूर रखने के लिए ये कमर तोड़ मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं हर तरह का मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं क्यों क्योंकि इनका मानना है कि भाई बेकार बैठे हैं कुछ कमा ले है, है ना चलो ऑलमोस्ट ऑल एक्ट मेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रूफाइल फ्यूटाइल का मतलब होता है निष्फल यानी कि कोई फायदा नहीं होता है रंजीत सिंह कह रहा है मैम आप इतनी हम्बल और स्वीट कैसे हैं? बेटा स्वीट कहां हूं तुमको नहीं पता नहीं टीचर चलाए बताएंगे तुमको मैं कितनी भयानक हूं

Proof futile at close quarters as children who are dead broke, who are dead broke and down and out cannot hire great hand. ग्रेट हैंड at close quarters क्लोज मतलब क्वार्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से बारीक तरीके से closely अगर उसका निरीक्षण किया जाए तो अगर बहुत क्लोजली निरीक्षण किया जाए तो आपको पता होगा कि चिल्ड्रेन are डेड ब्रोक डेड ब्रोक का मतलब होता है अत्यंत गरीब मतलब क्या कहा मैंने कि सारे कानून जो चाइल्ड लेबर का है रोकने के लिए वो सब निष्फल हो गए क्यों क्योंकि एट क्लोज क्वार्टर्स में मतलब अगर हम नजदीक से सारे कानून का आकलन करें तो पाएंगे कि जो बच्चे होते हैं ना जो एकदम अत्यंत गरीब होते हैं एंड डाउन एंड आउट यानी कि डाउन एंड आउट का मतलब हो गया वही सेम डेड ब्रोक और डाउन एंड आउट दोनों सिनोनिम है इसका मतलब होता है अत्यंत गरीब और एकदम खत्म मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल निचले स्तर में पहुंचे हुए बच्चे है ना वो क्या होते हैं कैन नॉट हायर ग्रेट हैंड वॉट इज ग्रेट हैंड एक्सपर्ट भाई एक्सपर्ट वकील हायर कर दो ना वो तो सीधा ये साबित कर देता है कि नहीं नहीं ये जो बच्चा है ना इसको तो मैं अपने बेटे की तरह रखता था ये तो मेरा बेटा है इसको ये इसको इसको मैंने मैंने करा मेरे ने स्कूल में एडमिशन कराया किया किया वो किया। अब जज क्या है कोर्ट में बैठा हुआ जज एक चीज जान लेना अंदर से वो सब कुछ जान जाते हैं लेकिन वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि क्यों उनको सबूत चाहिए ठीक है प्रदर्शनी मट्टू केस में संतोष को रिहा करते वक्त कोर्ट ने कह दिया था कि मैं जानता हूं तुमने मर्डर किया मैं जान इतना बड़ा स्टेटमेंट था बाद में हाईकोर्ट से कन्विक्टेड हुआ है वो वो भी लॉयर था है ना बाप बहुत बड़ा पुलिस में काफी अच्छे बड़े पोस्ट पे था उसे कह दिया कि मैं जानता हूं जज ने कहा कि तुमने मर्डर किया है लेकिन मुझे तुम्हें बरी करना पड़ रहा है लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला उलट दिया ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपने बड़े हाथ यानी कि बहुत एक्सपर्ट को हा, हायर कर लिया टू फाइट द केसेस टू द फिनिश तो वहीं पर बच्चा खत्म हो जाता है क्यों क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता फाइट टू द फिनिश का मतलब है अंत तक लड़ना फाइट द केसेस टू द फिनिश मतलब अंत तक लड़ना यानी अंत में जो लड़के क्या होता है प्रूफ कर दिया जाता है कि बेटा ये जो था ना ये जो छोटू ये बारह साल का नहीं था ये सोलह साल का था ये जो छोटू था ना वो ऐसा था कि ये छोटू नहीं है ये इसका एज है ये देखने में छोटा लगता है भाई ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स भी बना लिए जाते हैं ना कि प्रूफ कर देगा कि हाँ तुम्हारी एज ज्यादा है बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब करो शेयर करो और लाइक करो उसके बाद में आगे पढ़ाऊंगे चलो आ गया मोदी चाचा दोपहर में भी था ये सॉरी मित्रों बोलने उस समय बदमाश कर रहा था अब मोदी चाचा अब मित्रो नहीं, अब मित्रों छात्रों बोल दो पहले तो सबसे मित्रों सुन सुन के हम लोग पक गए अब छात्रों बोलो भले तो <laughs> ये हर क्लास में पहुंचता है मेरा आगे मोदी चाचा चलो ध्यान से देखो द फूल्स एरेंट एरेंट का मतलब बेटा होता है छोटा मोटा काम है ना द फूल्स एरेंट कैन नॉट मेक अ स्क्र मील इसका मतलब है जो ये काम करते हैं है ना पानी देना चाय लगाना बर्तन धोना ये फूल्स एरेंड है मतलब कुछ नहीं फायदा इससे सो so, फूल्स एरेंड का मतलब होता है वो काम जिससे कोई फल नहीं मिलने वाला और ये इनको एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं दे पाता एक समय का भरपेट भोजन भी इनको नहीं मिल पाता यानी कि अ अस्क्वेड मील अवेलेबल टू देम यानी ये जो काम करते हैं जो काम का कोई वैल्यू नहीं है उससे उन्हें एक भरपेट भोजन एक टाइम का भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता ठीक है ना क्लियर नेक्स्ट आओ इवन वन सर्टेन स्मॉल फ्राई स्मॉल फ्राई का मतलब होता है बेटा छोटी मछली स्मॉल फ्राई का मतलब छोटी मछली एंड ग्रीन हॉर्न कम टू दैर रेस्क्यू यानी इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं बाजार में जो चाइल्ड लेबर से करोड़ों कमा के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको उनको पैसा ही नहीं देना है अगर आप लेबर लॉ ठीक से फॉलो करो तो उनको इतने अच्छे से पेमेंट करना पड़ता है कि आपको अपने आमदनी का एक अच्छा हिस्सा देना पड़ेगा तो भाई देना चाहिए क्योंकि उनसे कमा रहे हो और चाइल्ड लेबर कैसे करवा रहे हो है ना लेकिन क्या होता है कि जब छोटी छोटी मछलियां या ग्रीन हॉर्न यानी कि इनएक्सपीरियंस लोग उनको बचाने भी आते हैं ना तो जो ऑफेंडर्स होते हैं यानी कि जो कानून तोड़ने वाले गुनाहगार होते हैं ट्राई टू ग्रीज देयर पाम उनको वो क्या करते हैं उनको रिश्वत देते हैं छोटा बच्चा अभी ना पूछ रहा है मैम आपकी एज कितनी है बेटा आपको पता नहीं आपको महिलाओं से एज और पुरुषों से उसकी आमदनी नहीं पूछनी चाहिए लेकिन आपको मेरे मामले में ना एज पूछना चाहिए ना आमदनी पूछनी चाहिए है ना दोनों चीज नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि मैं पिछले तीन सालों से चौबीस जो लिखा रहता है ना ट्वेंटी है ना बस उसी का केक काट रही पिछले तीन सालों से ठीक है तो मैक्सिमम सत्ताईस समझ लो और क्या समझोगे नहीं ठीक <laughs> yes, मतलब है तो फिर क्या होता है कौशिक ना कंपल्सरी का बैच अभी आया बेटा अभी, अभी आया दो बजे आप उसको परचेस कर लो के लाइन में जाके तब क्या ऑफेंडर्स उनको रिश्वत खिलाने की कोशिश करते हैं ग्रीस दे पाम पाम का मतलब होता है बेटा यानी हथेली में कुछ पैसा रख दिया तो ग्रीस करना चाहते हैं palm, ठीक है ना एंड मेनी टाइम्स और कई बार ये जो गुड सेमेरिटन्स है ना गुड सेमेरिटन्स का मतलब क्या होता है जो अच्छे लोग होते हैं जो परोपकारी लोग होते हैं परोपकारी लोग क्या करते हैं गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल सच बिग फिश वाइड बर्थ दे देते हैं बिग फिश का मतलब हुआ बड़ी मछली यानी ऐसी बड़ी मछलियां जो कि गलत काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं वो उनको नजरअंदाज कर देते हैं टू गिव वाइड बर्थ का मतलब होता है या दूरी बना के रखो ना क्या हुआ हमें क्या मतलब है है ना कोई भी मर रहा है मरने दो हमें क्या मतलब है ठीक है क्लियर हाँ <laughs> राजा दास तुम्हें शर्म नहीं आती हाँ ये सौ साल का बोल रहा है मुझे हाँ <laughs> तो, तो मैं तो अमर हो गई फिर तो लो एक पैंतालीस का बोल रहा है हाँ बताओ ये कोई तरीका हुआ हाँ इतने यंग कोई लोग इतना बुढ़ी बता रहा है हाँ <laughs> चलो चाहते हो तुम लोग मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर सीधा जी नगर तक लाइन लगवा दूँ क्या गॉड oh <laughs> <God>, क्या <laughs> तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं यहाँ से लेके एकदम सीधा अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस तक लाइन लगवा दूंगी बोलो जल्दी <laughs> चलो दिल पे, <laughs> दिल पे लेने वाली बात है यार पैंतालीस साल का बोलेगा तो मैं क्या करूंगा दिल पे लेने की बात है <laughs> चलो सुनो क्या कहा मैंने जब ऐसे अच्छे लोग है ना नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे बड़ी मछलियों को जब ये बड़ी मछलियां इनके हाथ में कुछ पैसे रख देते हैं और ये जो इन एक्सपीरियंस लोग जो छोटे मोटे एनजीओ चलाते हैं ये बचाव के लिए आते हैं लेकिन ये ऑफ इतनी बड़ी मछलियां हैं ना कि उनके रिश्वत दे के उनको दूर कर देते हैं और वो भी नजरअंदाज कर देते हैं समटाइम्स इवन द पुलिस स्पिल द बीन्स बिफोर द रेड रेड करने आने से पहले बता देते हैं कि भाई हम रेड करने आने वाले हैं स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है वो बिल्कुल राज उजागर कर देते हैं ठीक है ना स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बिल्कुल रिवील द सीक्रेट सीक्रेट रिवील कर देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं एंड इवन टेक अप द फॉर चाइल्ड लेबर टर्मिंग इट अ नेसेसरी अविल और क्या करते हैं टेक अप द का मतलब होता है समर्थन करना या बचाव करना वो समर्थन या बचाव करते हैं चाइल्ड लेबर का क्या कहते हैं भाई ये नेसेसरी इविल है इविल तो है लेकिन नेसेसरी है अगर नहीं कमाएंगे ये तो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे इविल है ठीक है मानते हैं गलत है लेकिन बहुत जरूरी है और अगर नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे जैसे एक बार मैंने किसी एक पुलिस वाले से बोला कि एक बात बताओ आप लोगों के जानकारी में होता है कि इस तरह से ऑनर किलिंग हुआ है और आपको क्या आपको जरा सा भी नहीं लगता है कि लड़का लड़की को मार दिया जा रहा है और आप जाते नहीं है तो उनका क्या कहना था कि मैडम जब बाप का नाक कटवाएगा या बाप का नाक कटवाएगी तब तो मरना ही पड़ेगा तो इस तरह से क्या किए उन्होंने कजल्स इन फेवर ऑफ ऑनर किलिंग है ना भाई जरूरी है इवल तो लेकिन जरूरी है क्यों क्योंकि सम्मान बचाना तो देख लो ध्यान से आप कहीं पर भी चाहो तो इस तरह के वर्ड को यूज कर सकते हो हाँ अंकित अंकित ने खुश कर दिया मुझे बाइस का बोल रहा है वो ट्वेंटी टू ईर्स ओल्ड बोल रहा है एक अठारह भी बता रहा है ओ माई कॉन थैंक यू सो मच एक ट्वेंटी बता दिया अब आओ लास्ट पेज चलेंगे हम लोग अब सुनो अब इस पेज का जो मैंने आपको समझाया है वो क्या ठीक है थर्टी वन तक चलो उसमें आ जाए हम लोग इलेवन के बाद जो मैंने आपको समझाया था देखो टॉयल एंड मॉइल कड़ी मेहनत एट लूज एंड का मतलब बेकार बिना काम का वेले बैठा हुआ है ना बैक ब्रेकिंग का मतलब कमर तोड़ मैंने कहा बैक ब्रेकिंग काम भी करने को तैयार है टू कीप वुल्स अवे फ्रॉम द डोर है भुखमरी से बचना फ्यूटाइल निष्फल एट क्लोज थोड़ा सा स्पेलिंग यहां पे गलत है निष्फल होगा ठीक है निष्फल क्लोज क्वार्टर्स का मतलब अच्छे तरीके से निरीक्षण करने पे पता चलता है कि सारे कानून बेकार है कुछ भी लागू नहीं हो रहा है dead, का मतलब गरीब, मतलब गरीब और लोग है न, उन लोग न, दक्ष वकीलों को नहीं ले पाते हैं जिसके कारण वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और जो बड़े फिश होते हैं बिग फिश होते हैं फाइट टू द फिनिश अंत तक बड़े आराम से लोग लड़ते हैं और ये बेचारे कि बेकार का काम करते करते और क्या होता है इनके साथ देखो स्क्वेयर मील यानी एक समय का भरपेट भोजन पोषक जो खाना होता है वो भी नहीं कमा पाते स्मॉल फ्राई का मतलब छोटी मछली अनुभवहीन लोग जो होते हैं स्मॉल फ्राई ग्रीन हॉर्न्स मतलब अनुभवहीन ग्रीस दपा मतलब रिश्वत देना गुड सेमेरिटन जो अच्छे लोग होते हैं जो अनजान लोगों का भी मेहनत का भी ध्यान रखते हैं ठीक है आ, अब तुम बहुत दुष्ट हो देखो ये अरविंद तुम्हारा ही जो है ना वो उसको हाईलाइट कर दिया है कि मैडम बहुत मोटी हो चुकी हो मतलब तुम लोग का नहीं सुन रहे तो तुम लोग ऐसे हाईलाइट करके करोगे यार गुड <laughs> सेमेरिटन मतलब जो अनजाने लोगों का भी मदद करता है गिव अ व्हाइट बर्थ मतलब नजरअंदाज करना बिग फिश मतलब बड़ी मछलियां जिनकी ऊपर तक पहुंचो एंड स्पिल द बीन मैंने कहा पुलिस राजुगल देता है कि भाई तुम्हारे यहाँ आज रेट करने हम आ रहे हैं देखा कर्जल्स का मतलब समर्थन करना नेसेसरी ईवल मैंने कहा जो गलत है लेकिन जरूरी है ठीक है चलो अब लास्ट पेज में आते हैं देखो, क्लियर शुरू करें आगे यस yes, बेटा मिनी बैच सारे सब्जेक्ट्स का मिनी बैच है इसलिए आप चाहो तो जिस सब्जेक्ट का चाहो मिनी बैच ले लेना ठीक है ना अब केरी लाइव ऐप को तो डाउनलोड करो है ना अब इतने अच्छे से पूछ रही है खुशबू मैम शादी हो गई है आपकी बेटा शादी करना मेरे से <laughs> तो फिर शांति से पढ़ लो तो <laughs> नहीं हर्षद पहले धमकाता था मुझे कि मैं न्यू मम्मा ले <laughs> तो अब मैं, मैं न्यू पापा ले आऊंगी अब <laughs> तो वो सही अब वो सही रहता है कंट्रोल में उसको बस एक ही तरीका धमकाने का न्यू पापा ले <laughs> चलो, the concerned authorities, जो संबंधित विभाग है टू पास द बक का मतलब पास द बक तो यानी अपना जो है ना ड्यूटी वो दूसरे पर ठीक है ना यानी कि जो जिम्मेदारी है वो पास करते हैं टू पास द बक का मतलब होता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना या जिम्मेदारी थोपना And well faces just play the सिर्फ समर्थन जुटाना है भाई मैं खिलाफ मैं खिलाफ हूं चाइल्ड लेबर हटाऊंगा सब लोग कहते हैं वाह वाह यानी प्ले द गैलरी का मतलब होता है सिर्फ समर्थन जुटाने के लिए कोई प्रयास करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन इश्यूज को रेस करते हैं वो इन मुद्दों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं ताकि लोगों का समर्थन मिले बाकी और कुछ नहीं है ना

है ना कई बार ऐसा हुआ है जानते हो जब भी मैंने मुझे ऐसा दिखा और मैंने बोलने की कोशिश की मुझे कहते यार क्यों पंगा ले रही हो ये लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं मैंने एक बार ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे एक है राजा गार्डन वहाँ पे मुझे ऐसे बहुत भिखारी दिखते थे जो छोटे छोटे भिखारी थे और मैं जाती थी उत्तम नगर अपने ही कोचिंग में क्लास लेने के लिए उधर का ही मेरा स्टूडेंट है जो ऐसा ही जो मैंने उसको कहा कि बेटा मुझे शक है यहाँ कोई गिरोह चलता है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं अगर उनको बिस्किट दो तो कहते हैं नहीं नहीं आंटी पैसे दो

कैन रियली डू समिंग कॉन्क्रीट वेरी इजिली यानी कि जो एलिट और इंफ्लुएंशियल क्लासेस होते हैं ये आसानी से कुछ कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस कुछ ठोस ये कर सकते हैं ठीक है वॉश

अंग्रेज भी बैठे यहाँ पे गिरो का मतलब नहीं समझ रहे वॉट इज दैट इज गैंग जो ये होते हैं ना बेगर्स का बेगर्स का चलाने वाले रैकेट होते बेटा उनके गैंग्स होते ठीक है इसीलिए मुझे कहा गया कि आप मत पड़ो बीच में ये आप मिलियन डॉलर गैंग से आप मुकाबला कर रहे हो ठीक है चलो ये भी हाथ झाड़ के अलग हो जाते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है ऑफ ऑल सच ईवन सारे ऐसे गंदे काम से डाटा रैमपेंट रैमपेंट का मतलब है व्यापक रूप से फैला हुआ दूर दूर तक फैला हुआ एंड डीप रूटेड यानी कि इसके जड़ बहुत अंदर तक है बहुत अंदर तक जड़ है यानी कुछ चीजें ऐसी कहा था ना कि आ, सती प्रथा नहीं हटाया जा सकता डीप रूटेड हमारे सोसाइटी में उखड़ गया ना. ठीक है ना तो वैसे ही इसको भी कहा जाता है कि भाई बहुत नीचे तक जड़ है और बहुत बृहद रूप से फैला हुआ है ये ऐसा इविल है इसको नहीं हटा सकते हम लोग और ये कह के हम हाथ झाड़ के किनारे हट जाते हैं कौन हम लोग जो एजुकेटेड है हम लोग जो एजुकेटेड है वो भी मतलब ही नहीं रखते यार नजर फेर के रखते हैं है ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और जो एलिट और इन्फ्लुएंशियल क्लास है जो कुछ कर सकते हैं जैसे कि हमारे नेतागण हमारे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है वो भी कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं करना चाहते ठीक है इन माई ओपिनियन मेरे अनुसार इट इज पर है, भाई नहीं है बहुत सारी चीजें नहीं है, है ना हमारे गर, बीमार पड़ गया कोई तो गिर भी रख दिया अपना खेत अब खेत को छुड़ाना है तो बेटा को भेज देगा कि जा तुम शहर से कमा के लाओ छोटा बेटा है तो क्या करेगा जाके वहां पर फिर वही चाय की दुकान पर काम करेगा यानी कि हम जो भारत में देखते हैं कि जो बहुत ही आम लोग हैं उनको कई बार पैसे की जरूरत पड़ती की की है बट दिस इन नो वे चाइल्ड लेबर का ठीक है यानी कि वो कोई ये ठीक है बेटा सबको जरूरत पड़ता है है ना कई बार कमी हो जाती है लेकिन वो एनकरेज तो ना करे चाइल्ड लेबर को इंडिया में हाँकोर्स एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इज एन टास्क ठीक है बहुत कठिन काम है डेवलपिंग कंट्री में पैसे की बहुत कमी होती है तो यहां से हटाना अपहिल टास्क है बहुत मुश्किल है बट इट्स प्रेजेंस इज अ क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल ऑन द वॉल मतलब ये साफ साफ एक क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है एक साफ साफ चेतावनी है ये साफ साफ एक चेतावनी है दैटरिंग क्लियर ऑफ इट विल इनवाइट व्हाट इज स्टीयरिंग क्लियर ऑफ स्टीयरिंग जानते हो ना गाड़ी में जब आप को ऐसे घुमाते हो तो गाड़ी से घूम के निकल जाता है, है ना यानी कि बच के निकलना अगर चाइल्ड लेबर से हम बच के निकलने की कोशिश करेंगे तो सीरियस बहुत गंभीर मानव अधिकार का उल्लंघन होगा और ये लिख के ले लो यानी कि साफ साफ वार्निंग के रूप में ले लो दिस इज अ वार्निंग क्या क्लियर राइटिंग ऑन दी वॉल्ड ठीक है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां पे आम व्यक्ति लगभग हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने उनको कुछ न कुछ नेसेसिटीज की कमी पड़ जाती है ठीक है और इन कमी की वजह से एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है किसको चाइल्ड लेबर को इसलिए चाइल्ड लेबर का एबौलिशन, एबौलिशन का मतलब होता है खात्मा उन्मूलन बहुत मुश्किल है एक डेवलपिंग कंट्री में अब हिल टास्क है हाँ अंकित पांडे क्या हुआ प्लीज नाम तो ले लीजिए ओल्ड क्या है स्टूडेंट का भी मैम शायद आप मेरे को नहीं जानती हो बट मुखर्जी नगर में मैंने आपसे क्लास ली और आज रेलवे में एस एस एम जॉब पे हूं बट मैम आई मिस यू योर टीचिंग स्टाइल थैंक यू सो मच अंकित एंड ऑल द बेस्ट और मैंने कहा ना मेरी असली कमाई यार यही है है ना जो आप लोग सोचते हो ना मेरी कमाई मैंने कहा ना असली कमाई यही है कोई पुलिस स्टेशन में पहुंच जा बेटा समझ जाओ है ना कोई टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाओ समझ जाओ मतलब क्या समझ जाओ यार वहां तो सीधा नोटिस बुलाता है <laughs> कुछ अच्छा नहीं समझ जाओ लेकिन हाँ मेरे स्टूडेंट्स हर जगह है और वो बहुत बढ़िया है मेरी कमाई जो है ना बस ये बहुत चीज़ है बहुत बढ़िया चीज़ है मैं मैं बता रही हूँ मेरा जो प्रोफेशन है मेरा अपने प्रोफेशन से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने मुझे सब कुछ दिया है और सबसे बड़ी चीज़ ये दी है ना कि मैं कुछ लाइफ कुछ बच्चों के लाइफ बनाने में जो मेरा सहयोग रहा है वो बहुत मतलब पेन है बहुत बहुत ज्यादा मुझे एक कम्फर्ट जोन में रखा हुआ है ठीक है चलो अब ये देख लो मैंने आपको लास्ट पेज का अब ये देखो बेटा लास्ट पेज का मैंने आपको पूरा मीनिंग दे दिया है और आप चाहो तो इसको मैं आज डाल देती हूं अपने के डी लाइव में ठीक है ना और के डी में टाइम क्या हो गया ग्यारह बज गया ना हाँ इट्स योर टाइम ना मुझे पता है इससे मैंने पूछा कि अगर टाइम कम थाँग। ना इट्स हाई टाइम आई लेफ्ट इट्स हाई टाइम आई लेफ्ट है ना अब मैंने क्या सिखाया आपको मैंने एक पूरा कंप्लीट ऐसे लिख के दे दिया है आपको चाइल्ड लेबर पर है ना कि चाइल्ड लेबर में किस तरह से पैसे का बंदर बांट होता है अब रितेश कह रहा है पैसे बहुत है आपके पास बेटा ये सब सोचता है टैक्स टैक्सीपेंट वाले भी यही सोचते हैं कि इनके पास पैसे बहुत है ठीक है सारे टीचर्स सबसे बड़ा तो मुसीबत यही है सारा टीचर भी यही सोचता है पास पैसे बहुत है ठीक है ना सारा मैनेजमेंट टीचर सब और जानते हो मैं कभी इस बात का खंडन नहीं करती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है ठीक है ना क्यों क्योंकि धन बना रहना चाहिए मैं आपको बताती हूँ रीजन बताती हूँ चलो मैं अभी बच्चों को बता दू बेटा कभी भी बाहर किसी को मत बताओ कि आपको कोई कमी है कोई कष्ट है कोई परेशानी है आधे लोग तो ये सुन के खुश हो जाएंगे कि आपको कष्ट है और जो बाकी आधे लोग सुन के खुश नहीं भी होंगे वो आपको कुछ नहीं दे सकते अगर लोगों को गलत कमी बना रहे ना कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ खरीद सकते हो तो वो दूर रहेंगे आपसे पंगा भी नहीं लेंगे जैसे मेरे जल्दी कोई पंगा नहीं लेता क्या देखो बात क्या है ना ऐसे करोड़ों में बात क्या करो मेरे सामने जब बात करो तो करोड़ों में बात क्या करो ठीक है ना मैं इसलिए आपको समझाती हूँ तो आप लाइफ का मैं एक्सपीरियंस समझाती हूँ जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो लोग क्या करते हैं जो ऑफलाइन गेम होते हैं वो खेलते हैं क्योंकि किसी से बात तो हो नहीं सकता तो जब नेटवर्क का मतलब क्या हो जब हमारे आपके बीच में दिल का तार नहीं जुड़ा हो तो आपकी भावनाएं क्या मेरे लिए यार मैं तो मजर लूंगी अगर आपको प्रॉब्लम है तो है ना आपकी प्रॉब्लम का मैं मज़ा लूंगी इसलिए मैंने कहा कभी भी अपने माँ बाप या अपने बहुत नजदीक जो आपके दिल के करीब है जो आपसे सही में प्यार करता है जो आपकी परेशानी को सुन के परेशान हो जाता है भले उसके पास पैसे ना हो तो भी वो परेशान है शरीर सबके साथ खड़ा है उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करना है तो कर लो वरना बाहर वालों के साथ बिल्कुल मत करो कोई आपको कुछ देने वाला नहीं और दूसरी बात है हमेशा ये गलत फहमी बना के रखो कि तुम्हारे पास बहुत है इससे क्या होगा ना कोई पंगा नहीं लेगा क्योंकि कमजोर को सब दबाता है आज मुझे कोई नहीं दबा सकता सबको पता है मेरे पास बहुत है मैं करोड़ों में खेल रही हूं ठीक है ना तो ये बना रहना चाहिए ये बाहर बना रहता है तो सब दूर रहते हैं अब अगले को क्या पता है ना हाँ ये प्रॉब्लम एक कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि टीचर को भी गलत फहमी रहता है कि मेरे पास बहुत है तो मेरे लिए थोड़ा पंगा हो सकता है बेटा मेरा बैच खरीदने के लिए आप जाओ केरी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और कुछ लोगते हैं मैम कैसे डाउनलोड करें तो बेटा डाउनलोड करो टिकटॉक डाउनलोड करते थे तुम लोग अगर आपको लगता है केडी लाइफ में बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है ठीक करना मरम्मत करना जो ओके आई नो द कॉबलर विच मेन्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ अ कॉलोनी मैं उस कॉबलर को जानती हूं कॉबलर का मतलब होता है बेटा मोची है ना जो जूते वगैरह सिलता है मेन्स द शूज मेंट का मतलब होता है बेटा ठीक करना मरम्मत करना जो खराब हो गया हो फट गया हो उसको मरम्मत करना ठीक करना वो करता है कहां पे मेरे कॉलोनी के गेट के बाहर आप बताओ आंसर क्या होगा जल्दी बहुत तेजी से आंसर बताइए आ जाओ सबको आ जाओ इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर लो बेटा ठीक है कम से गुरु दक्षिणा पहले तो उसके बाद पढ़ना सुनो ध्यान से आई नो द बेटा उस कॉबलर को मैं जानती हूँ या तो हु द शूज होगा दैट भी चलता विच तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि विच का इस्तेमाल हम या तो नॉन लिविंग के लिए करते हैं है ना या फिर हम इस सेंस सेंस में में कौन कौन सा 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 है ना जो सा या कौन सा के के करते करते हैं के करते हैं जैसे ऑफ पहले इसका अगर तो कॉबलर की बात करोगे तो हु लगाओ बेटर ऑप्शन है ना विश तो आ ही नहीं सकता तो क्योंकि विश नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है बोलो कोई प्रॉब्लम जो था आपका नेक्स्ट आओ द स्ट्रीट आर्टिस्ट यानी सड़क में जो आर्टिस्ट काम करता है कौन है सतीश मुंजल बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट वन वीक पिछले एक सप्ताह वन वीक एक सप्ताह से वो इस वॉल को पेंट कर रहा है बेटा ऑफलाइन जब आएगा ऑर्डर मैं खुद ही आप